Sheffield Hallam University, which is a public university in UK. So it is open for September 2024 intake. अगर आप भी यूके में जाकर पढ़ाई का सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है आप सबके लिए. सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इसमें अवेलेबल कोर्सेज के बारे में, एंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड ट्यूशन फीस के बारे में. बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस. चलिए स्टार्ट करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में. ये एक काफी हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी है. इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1874 में हुई थी. ये काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है. उसके साथ साथ ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि ऑफर करती है बिजनेस एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज को, चाहे वो बैचलर्स हो या वो मास्टर्स हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज इन यूके. सो बात कर लेते हैं अवेलेबल कोर्सेज की. यूजी एंड पीजी बोथ आर अवेलेबल. यूजी की बात करें तो बिजनेस मैनेजमेंट, एनिमेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, क्रिमिनोलॉजी या फिर लॉ से रिलेटेड और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे. मास्टर्स की बात करें तो आप LLM कर सकते हैं अप्लाइड ह्यूमन राइट्स के साथ, या फिर मास्टर्स कर सकते हैं विद आर्ट्स, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट एंट्री रिक्वायरमेंट्स. अगर आपके प्लस टू में 65% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो आप यूजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद IELTS एंड PT बोथ. IELTS में 6 नॉट लेस देन 5.5 का स्कोर एंड PT में आपका 52 ईच के स्कोर के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं. और अगर बात करें मास्टर्स की तो आपके 55-60% तक मार्क्स अगर है ग्रेजुएशन में तो अप्लाई कर सकते हैं फॉर मास्टर्स. एंड रिक्वायरमेंट जो IELTS और PT की है वो सिमिलर रहेंगी. ट्यूशन फीस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 GBP की ट्यूशन फीस रहेगी, चाहे आप बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. और उसके साथ साथ कैश जो है आपको 3,000 GBP पे मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, IELTS वेवर इज ऑल्सो अवेलेबल. आप विदाउट IELTS अप्लाई कर सकते हैं. यूजी एंड पीजी दोनों में ही IELTS वेवर मिल जाएगा. अगर आपके प्लस टू में 70% इंग्लिश में मार्क्स हैं तो आपको यूजी में, यानी कि आपको बैचलर्स में आपको IELTS वेवर मिल जाएगा. और मास्टर्स की बात करें तो 80% इंग्लिश में अगर प्लस टू में किसी के मार्क्स हैं उसको IELTS वेवर मिल सकता है. सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से फोन उठाइए और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर स्पेक्ट्रम ओवरसीज जालंधर आकर विजिट कीजिए और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर की गाइडेंस के साथ अपना यूके का स्टडी वीजा अप्लाई कीजिए.